एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस प्रमुख के जाति वाले बयान पर पलटवार किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आरएसएस प्रमुख बताएं कि त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी। आप यदि दलितों और पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो उन्हें सरसंघ चालक के पद पर बैठाएं, लेकिन किसी का अपमान न करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों ही आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही सर्वव्यापी है। ऊंच नीच जात पात पंडितों ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं। संघ प्रमुख के इस बयान पर पंडितों ने अपनी खासी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले को बढ़ता देख एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बताएं कि त्रेता युग में किसने वर्ण व्यवस्था लागू की थी। आगे गोविंद सिंह ने आरएसएस प्रमुख से कहा कि यदि आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितैषी हैं तो सरसंघ चालक पद पर किसी दलित आदिवासी को बैठाने का काम करें, लेकिन किसी का अपमान ना करें। मैं मोहन भागवत जी से प्रार्थना करता हूं, अगर आप ब्राह्मणों के हितैषी, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो आपको जो सरसंघ चालक के पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। इसके अलावा अभी तक सरसंघ चालक और सरकारवाहक के पद पर किन किन पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को आपने पद पर बैठाला है, इसका स्पष्टीकरण की देश की जनता को दें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।